Welcome to everybody on this wonderful morning on Friday. Welcome Ashok, Karma, Meera, Tejasvi. बहुत बहुत खुशी हुई है कि आप लोग आज मीडिया रंबल पे आ सके. अशोक जी, मैं आपके साथ आपसे शुरुआत करता हूँ कि 100 years ago मूक नायक अम्बेडकर जी का पहला जो न्यूज़पेपर उन्होंने निकाले January 31st, 1920, और उस वक्त तो काफी स्ट्रगल रहा उनका कि किस तरीके से वो दलित का जो खास करके न्यूज है वो लोगों के सामने रखेंगे. 100 years लेटर कुछ बदलाव हुई है, कुछ बदलाव आया है. क्या स्ट्रगल रहा है कि टू कंटिन्यू टू गेट द वॉइस ऑफ अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी आउट टू द लार्जर पब्लिक? अशोक जी, थैंक यू संजय जी, सबको पहले नमस्कार, जय भीम. काफी बदलाव तो नहीं हुआ है, और अभी जो 2020 में 100 ईयर्स हुए थे मूक नायक के, तो हमने बहुत बड़े स्केल पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली में, जिसमें तकरीबन 18 स्टेट के लोग आए थे और तकरीबन 1000 लोगों की गैदरिंग हुई थी, और एक बड़ा सेलिब्रेशन था जो दिल्ली में हमने किया था. क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर को एज ए जर्नलिस्ट याद करना चाहिए. काफी चीजें बदली नहीं है. सबसे बड़ा संकट उस वक्त भी इकोनॉमिक मॉडल का था, आज भी वही है. उस वक्त भी साहूजी महाराज ने बाबा साहब को फंड दिया था, मदद की थी, तब जाके मूक नायक शुरू हो पाया था. और जब मैंने दलित दस्तक शुरू किया तब भी एक टीम, एक ग्रुप था जिससे मैंने संपर्क किया, जिसमें तमाम लोग थे, अलग अलग तरह के लोग थे, तो उनकी मदद से ही शुरू हो पाया. तो वो जो फंड की समस्या है वो कल भी थी और आज भी है. क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये होती है किसी भी जब हम इस इशू पे काम करने जाते हैं तो सबसे पहले तो इसको एक में कर दिया जाता है कि आप दलित इशूज पे काम कर रहे हैं. आपको ये मान्यता नहीं दी जाती कि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं. हालांकि मुझे 15 साल हो गए जर्नलिज्म में, और अपनी जिंदगी के 10 साल मैंने तमाम अखबारों में काम किया और पार्लियामेंट तक कवर किया मैंने. लेकिन जब वो छोड़ के मैं इधर आया तो मैं जर्नलिस्ट से दलित जर्नलिस्ट बन गया, जैसे ही मैं वो छोड़ के था. जबकि मैं कर वही रहा था, वहां भी मैं लिख पढ़ रहा था, यहाँ भी मैं वही कर रहा था. वहां जो सवाल मैं नहीं उठा पा रहा था वो सवाल मैंने यहाँ उठाने शुरू किए, क्योंकि मुझे लगा कि बीइंग पार्ट ऑफ इस सोसाइटी और इस कम्युनिटी को बिलोंग करने पे मैं अगर इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए. तो एक फंड की समस्या, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलते बिल्कुल भी, क्योंकि आप जाते हो तो वहां जो सिस्टम बैठा हुआ है वो आपको बहुत रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता है. और फिर जब आप इस तरीके से काम करते हो तो आप एक विचार के लिए काम करते हो, और ये विचार ऐसे हैं जिसके सामने आते ही 90% लोगों के, मैं क्या कहूँ, उनके कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये क्या है. जबकि वो सवाल जरूरी है. हम अगर किसी चीज से भागेंगे तो उसका सोल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे. तो हमारी जो सोसाइटी है वो इन सवालों का सामना नहीं करना चाहती. जो सवाल हम रेज करते हैं दलित दस्तक के थ्रू, या फिर हमारे तमाम अन्य जो साथी हैं जिस फील्ड में काम कर रहे हैं अलग अलग नामों से, तो वो उन सवालों को उठाते हैं, जिस उन सवालों को ये जो हमारा समाज है वो सुनना नहीं चाहता है, वो कान थक लेता है. जबकि आज की भी सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, वो भी बताते हैं कि हर 18 मिनट पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी दलित कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है ना. तो फिर भी हम बात नहीं करना चाहते, तो इसलिए उसको कोई सपोर्ट नहीं करता. सपोर्ट नहीं करता तो हम चलेंगे कैसे, हम चलेंगे कैसे. तो इस समय क्या होता है कि फिर सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर इसी सोसाइटी से कुछ लोग सामने आते हैं, जो कई लोग अपनी पहचान सामने रखते हैं, कई लोग अपनी पहचान सामने नहीं रखते हैं. तो वो उनको लगता है कि हाँ, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो काम होना जरूरी है. तो फिर उन लोगों का सपोर्ट मिलता है, और तब उस सपोर्ट से हम लोग धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं. तो चुनौती है. एक सामान्य क्वेश्चन, जैसे आपने कहा ना कि आपका जो मकसद रहा, आप पहले भी दलित इश्यूज पे आप कवरेज करते थे, पर अब जब आपने इस न्यूज़पेपर के साथ जुड़ गए तो लोग सोचने लगे कि आप दलित हैं. तो ये जो एक्टिविज्म और न्यूज, इसमें क्या फर्क है क्या, और अगर है तो क्या है? पहले मैं दलित न्यूज नहीं करता था. मैं तमाम सो कॉल मेन स्ट्रीम के अखबारों में काम करता था, और वहां पे बहुत कम मौके होते हैं जब आप किसी बड़े इशू को उठा सके.
वहां पे सिर्फ इसके मौके हैं कि आप ये कह दो इसने उसको पीटा। अंग्रेजी के अखबार ज्यादा लिबरल हैं, वो ज्यादा चीजों को कवर करते हैं। मानता हूँ हिंदी के जो अखबार हैं वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं उनकी मानसिकता वही है जो गांव में बैठे हुए सब उनको की होती है, और वो उन घटनाओं को ऐसे ही देखते हैं। वो डराने वाली खबरें चलाते हैं कि इसने इसको पीट दिया, तुम ये छू दोगे तो तुमको, तो इतनी तक की तो छूट होती है, लेकिन आप किसी इशू को रेज करना चाहते हो तो नहीं है। तो मैंने वो जॉब छोड़ के यहाँ करना शुरू किया काम, और बेसिकली काम तो वही है ना, मैं किसी अखबार में काम कर रहा था, वहां भी यही काम कर रहा था, लिख पढ़ रहा था, यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ। बस क्या है कि देखने का थोड़ा नजरिया बदल गया है चीजों को, पर्टिकुलर फोकस ये है कि जो खबरें नहीं, जैसे आपका आज का सब्जेक्ट भी है, जो खबरें नहीं आ पाती है, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उठा पाती है, उसको रेज करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्योंकि अगर अब देखिए, रोहित वेमुला शायद सबसे पहला मामला था जिसको उस तरीके से सोशल मीडिया ने कवर किया, और सोशल मीडिया के कवर करने के बाद जो प्रेशर पड़ा उसके बाद सोशल मिनिस्ट्री मीडिया ने कवर करना शुरू किया। तो क्या रोहित वेमुला की खबर खबर नहीं थी? थी ना। लेकिन अगर हम लोग नहीं होते, हमारे जैसे और साथी नहीं होते, तो रोहित वेमुला का नाम भी आज कोई नहीं जानता। तो काम तो वही कर रहे हैं ना, खबर तो वही है। लेकिन जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता, लोग सुनना नहीं चाहता, हम शुतुरमुर्ग बन जाते हैं कि सर को रेत में अंदर कर लेते हो, कहते हैं सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा है नहीं। अशोक जी, मैं वापस आऊंगा ये सुनने की चीज पे, मैं वापस आऊंगा, पर मैं मीरा के पास जा रहा हूँ। मीरा जी, अशोक ने कहा ना कि राजा साहब ने अंबेडकर जी को 2,500 रुपये दिया था कि ये न्यूज़पेपर अंबेडकर शाहू जी महाराज ने उनको 250 रुपये दिया था, और वो न्यूज़पेपर दो आना में बिकते थे। आज के दिन में जैसे आप लोगों ने ये रूरल नेटवर्क शुरू किया है, तो क्या जैसे अशोक ने कहा सपोर्ट के अलावा बहुत मुश्किल होती है, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप लोग अपना खबर कैसे पहुंचाते हो, तो इसमें आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत धन्यवाद आपको और बाकी साथियों को, नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार ही जुड़ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दे चर्चा हो रहे हैं वो ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत नए मुद्दे हैं, ऐसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इस स्तर पर भी जिस मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं, हम संघर्षरत हैं, वो चर्चा यहाँ पर हो रही है और मैं अपने आप को बहुत जोड़ पा रही हूँ, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और जो आपका सवाल है, ये बहुत मुश्किल है कि बगैर पैसे के सपोर्ट के कैसे आप कर पा रहे हैं, वो तो मैं उतना नहीं कह पाऊंगी कि हमने इसको आगे किस तरह से बढ़ाया, लेकिन हाँ हमने वो कर दिखाया। वो हमें उतना पैसा इस तरह से मिला नहीं, हमने विज्ञापन लिए नहीं, इसलिए भी कि बहुत बारी ऐसा होता कि जो निष्पक्षता वाली बात है वो बिल्कुल नहीं रह जाती, और जो हम जिन मुद्दों को लाना चाहते हैं, जो गांव के मुद्दे हैं, जो दलित के मुद्दे हैं, जो हस्ती पर रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं, और जिनको मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो मुद्दे नहीं मानती है, वो खबरें नहीं होती हैं, उनके लिए वो जगह नहीं होती है, उन चीजों को उठाना और उस पर मतलब कि बहुत जोर से इस समाज का, इस सरकार का जो नजरिया है, जो नजर है, वहां पर जबरदस्ती ले जाना कि आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, तो उन चीजों को ले जाना ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। और इसको हम लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए शायद हमारा जो सबसे बड़ा जो ये प्रॉब्लम्स रहे कि हम अपनी जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट को लेकर के हम नहीं चल पाए हैं, क्योंकि हमें उस चीज की बहुत जरूरत थी, इसलिए हमको कहीं ना कहीं इसका एक अलग पहलू है कि हम सोशल मीडिया पर हैं, हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी हो गए, उसका एक बहुत बड़ा असर रहा है, लेकिन इसका एक कारण ये भी रहा है कि हमको टेक्नोलॉजी होना पड़ा, इसीलिए तो मेरा जी एक मिनट में आपको रोकूंगा कि
जैसे आपने कहा मुझे कि आप बांदा जिले में हो, तो आपके ऊपर पर्सनली क्या प्रेशर या दबाव दिया जाता है, क्योंकि आप तो वहीं पे रहते हो ना, तो जो भी जिसका भी जो भी स्टोरी आप लोग कवर करते हो, क्या लोग सोचते हैं कि ये तो सारे महिला का संगठन है, इन पे दबाव दो, इन इनके जो मर्द लोग हो उनको कहो कि इनको चुप करवा दे, तो इस चीज को आप कैसे फाइट करते हो, इस चीज के साथ कैसे आप लोग संघर्ष करते हो? ये तो मुद्दा रहा है हमारे साथ, आज बहुत साल हो गए हैं, 2002 से अब तक में कई साल का सफर रहा है, तो थोड़ा सा कम हो आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे सामने वो चुनौतियां नहीं है। हमको लोग नहीं पत्रकार समझते हैं। एक तो ऐसी जगह जो दसवीं इलाका है, जो बहुत मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, विकास के क्षेत्र में बहुत पीछे है, महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में मतलब ये सोच भी लोगों की नहीं है कि महिलाएं भी पत्रकार हो सकती हैं, वो भी ऐसी महिलाएं जो दलित है, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो गांव में रहती हैं, जिनकी डिग्रियां नहीं है। तो सर ये तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी चुनौती है, और हाँ हमारे पास बहुत सारी चुनौती अभी भी आती रहती है। आप न्यूज मतलब कि जैसे कोई बड़ी रैलियां होती हैं, वहां पर हम लोग भी जा रहे हैं, तो जो 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 पत्रकारिता वाली जगह है, वहां पर अपनी जगह बनाना, अपने लिए अपने भी उतनी ऊंचाई से खड़े रहना, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छे उतने बड़े दिखावे वाले कैमरे नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है उस तरह की, हमारे पास मतलब कि बड़ा आई कार्ड नहीं है, हमारे पास वो माइक नहीं है, आईडी मतलब कि हमारे पास उतना बड़ा नहीं है। भले ही हमारा एक बड़े स्तर पर इसका अलग लेवल है, लेकिन जहां पर हम रह रहे हैं वहां की सोच लोगों की अलग तरह से है। बहुत संघर्ष के बाद लोग हमको जानते हैं, हम खबर लहरिया से हैं, हम पत्रकार हैं, लेकिन महिलाओं को महिलाओं के ढांचे में ही देखना कि हो सकता है ये किसी एनजीओ से होगी, या हो सकता है ये कोई नर्स हो सकती है, या ये कोई आशा हो सकती है। तो मीरा जी आप अपना संक्षेप में, क्योंकि टाइम की वो है, संक्षेप में आप बता दीजिए कि हमें कि हमारे लिसनर्स को कि आपका क्या जर्नी रहा है, आपने ये पत्रकार का काम क्यों चुने, आपका बैकग्राउंड क्या है, संक्षेप में बता दीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कहाँ से आपका आपका स्थापना कहाँ से हुई है। सर मैं बांदा से हूँ, यूपी के बांदा से, और मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगी। आज मैं जिस स्तर से बोल रही हूँ ये मेरी सोच भी नहीं थी तब कि पत्रकार कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है। मैं आकर के यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे हक अधिकार मेरे लिए है, मैं अपने हिसाब से वो बात करना, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। हो सकता है मैं पत्रकार और भी चैनल में होती तो मुझे वो जगह, वो मौका, वो अपनी तरह से अपनी स्वतंत्रता, अपने बात करने की स्वतंत्रता, अपने हक अधिकार, वो सारी चीजें नहीं होती। इसीलिए मैं आज तक यहाँ पर टिकी हूँ, और हो सकता है ये मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या है, लेकिन आगे हो सकता मुझे अंत तक ये लेके जाएगा। मीरा जी मोस्ट स्ट्रेंथ टू यू, कर्मा आई एम गोइंग टू कम टू यू। मीरा इज इन बांदा, यू नो प्री सोशल मीडिया द नॉर्थ ईस्ट कुड हैव बीन एज फार फ्रॉम द रियलिटी ऑफ दिल्ली एज बांदा इज। इट वाज ओनली व्हेन द सेंटिनल वाज सेट अप 40 या 50 इयर्स अगो डिड सम न्यूज़ स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। What are the issues that you are facing? Aaj ke din mein, we have seen in the news this an enormous outcry or outrage in the police action that's happened in Assam, jahan ek photographer bhi us pe wahan pe kuch atyachar kiya. But this news would not have been would not have made it to the mainstream consciousness in an earlier period. So what has changed? And in this changing scenario,
How do you all see your role today? See, अगर देखा जाए तो अभी भी सिचुएशन वैसा ही है. मैं दिल्ली में था, CNN News 18 के लिए, CNBC के लिए काम किया. उसके बाद जब मैं वापस आया नॉर्थ ईस्ट में, तो एक होप के साथ आया कि मैं सिटीजन जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट को ट्रेन करूंगा मोबाइल जर्नलिज्म में, कि आपके जो कहानी है मोबाइल फोन की तरफ से आप लोग कह सकें. पर जब मैंने धीरे धीरे पूरा नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने के इलाके में मैप अप करना कोशिश किया, तो वहां रियलिटी आ गया. देखिए, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे भाग है विच इज अराउंड 30-40, सम प्लेसेस आर 50 इयर्स बिहाइंड द रेस्ट ऑफ इंडिया. देयर इज सो मच टू कनेक्ट. अभी भी जब कोविड हुआ था, बहुत सारे स्कूल के बच्चे ऐसे थे जो कि दे हैड टू वॉक पहाड़ के एकदम टॉप में जाके वहां सिग्नल मिलता था, और वहां जो गांव के यूथ हैं उन लोगों ने कुछ शेल्टर वेल्टर बना के, तो बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए, क्लास करने के लिए. सो चैलेंजेस इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं. वन, रोड नहीं थे. सो जब मैं CNN News 18 में था, तो एडवोकेट करता था कि मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी किया जाए. बट नॉर्थ ईस्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि हर कोई जो नेशनल मीडिया है, उन लोगों का जो बेस है, उन लोगों का जो गढ़ है, गुवाहाटी में बसा हुआ है. और गुवाहाटी से कोई कोई, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का एरिया में, जैसे बॉर्डर के इलाके हो गए अरुणाचल के, वहां आप जाना चाहते हैं तो लगभग 24 से 36 घंटे लगते हैं बाय रोड. तो इट्स इम्पॉसिबल टू रीच दिस एरियाज, यू नो. सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट अ कॉरेस्पॉन्डेंट सिटिंग इन गुवाहाटी टू बी एबल टू रीच ऑल दीज एरियाज. सो दीज आर द चैलेंजेस. नाउ what we've managed to do, apart from having our own correspondence in all the state capitals, hum logon ne ye bhi kiya hai ki dur daraz ke ilakon mein, jaise koi ek young youth leader ho gaya, koi school ka teacher ho gaya, unke sath connection bana diya hai. jaise rohing mein hamara ek ngo, wo social enterprise chalate hain, very active, to kabhi kabhi wo video se apna story wori karke bhej dete hain. We do our check. Our reporters and senior editors here do a background check, but these challenges are still there. और दूसरा सबसे बड़ा challenge है कि जब आप किसी को train करते हैं, तो ये है कि North East में कि aspiration क्या है government job का. सबको government job चाहिए, तो वो challenge तो बना ही रहता है. And movement is quite a lot. In this ongoing debate, especially अगर आपने देखा recently जो border wars हुई है between Assam and the neighboring states, if you look at the fact कि वहाँ पे incursions भी हुई है from foreign nationals on both sides of the all three sides of the northeast, तो इस हिसाब से लोगों को ये भी लगता है कि जो security मामला है, हर चीज वो security मामला से वो फिर बंद कर देता है कि नहीं ये security है so we will not allow news to come out, etc. Has this been carried out beyond the line that should be observed? Is everything being tarred with this idea that it's security and therefore news of local atrocities is also being covered up? Yes, let's look in Meghalaya. Whenever something happens in Meghalaya, immediately the government shuts down the internet services. But the good thing is that broadband is not shut. And the journalists find a way, forget the journalists, the people find a way to bring out this. So when we had violence recently in Shillong, immediately social media was crawling with all kinds of videos also. Yesterday you talked about the incident at Sipaja. This also, of course, all across social media, that's when the journalists started acting and trying to find, and I started getting calls from New Delhi. The problem is not that, there is a government crackdown. The problem, as I said in my first answer, is that there are lots of places where internet is not available, So a person has to drive, walk, trek a certain distance to be able to upload those videos, especially in the areas that you talked about. In the areas around Arunachal. Look at the massive border that Arunachal has with China. It is impossible to man every border post. So there is no internet, So it is very likely that the Chinese patrols are coming this side.
And sometimes our hunters who go into the forests, they come face to face with these Chinese patrols. And they are the ones who get the first video evidence and hand it over to the army. So these challenges are there. And yes, you know, some of the governments have been, you look at what happened in Manipur, with, you know, what happened to one or two of those journalists who said what they had to say on social media, and they were immediately arrested, charged under the NSA. Things can go to the extreme also with the governments, but this internet crackdown has not helped because of an internet crackdown. It is also helps because there is no internet in so many places. I'm going to come back to the whole digital story in a bit. I'm going to go to Tejasvi. Tejasvi, jaise Karma ne kaha ki internet kabhi crackdown band, but isn't it that the internet and dissemination of news, especially for the most marginalized community, or main kahunga ki LGBTQ plus in many ways represents all of this and is marginalized even more than many of the communities. From the time, for example, where the first publication in 1870 by Bayard Taylor, Joseph and His Friend, which was a story from Pennsylvania, of course, E.M. Forster's Morris in 1930, and into India, Bombay Dost, Ashok Rao Kabi's magazine. What seems to have changed today, at least for the LGBTQ community in places like India, at least in the main cities, is ye mainstream ban gaya. LGBTQ communities seem to be a mainstream community today. Agar aapne Lakshmi Tripathi ki wo dekha, ya all the news that comes out, is this because news has been democratized through the internet and much more is available, and that has given strength to an individual to be able to come out and report on these issues? Thanks, Sanjay. I think the internet has, I can only speak for myself and as somebody who has been raised mostly in big cities, the internet was definitely revolutionary for me. I was about 12 or 13 when I first heard about the section, you know, 377, and the debate was ongoing on actually CNN and IBN. That was when around when the channel was launched. And I was just actually a teenager when that came out. And for me to go on Facebook, to go on Orkut and to create forums, and to talk to people that who I connected with online or who were around me who had profiles online. I think the internet has been a great platform, but it has also been a bubble in a sense that I have not understood the legacy of, you know, being queer and how it intersects, let's say, with caste, how it intersects with religion, you know, and how it intersects with certain regions like Kashmir, the double burden of disability and being queer. These are narratives that have not come out in the internet simply because the internet, as much as it has democratized, it has also created an echo chamber. It has been, you know, inaccessible for people with disabilities. It has been inaccessible for people who speak localized languages and the vernacular languages. It has been inaccessible to discuss about caste simply because technology is expensive. Personal technology is expensive and it has a certain kind of environment that it creates. So yeah, it's a tightrope, and as somebody who works in the media, I am quite conscious of it, and I don't really have a quick solution. But yeah, that's what it is. So Tejas, bhi ek aur sawal hai ki, you know, jab LGBTQ community ke bare mein baat hoti hai, to sab kehte hai ki ye foreign influence hai, ye Western influence, not just foreign influence, Western influence. Yet agar aap hamare koi bhi लिटरेचर पढ़ोगे, टेम्पल आर्किटेक्चर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि सेम सेक्सुअलिटी हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम इट्स इंसेप्शन. अर्धनारीश्वरी इज पार्ट ऑफ द न्यूएंस ऑफ हिंदुइज्म, दैट विद इन एवरीबॉडी देयर इज बोथ साइड्स एंड विदाउट दैट देयर इज नो होल. तो ये जब ये जो नैरेटिव आता रहा है, और फिर में भी फिर से मैं लक्ष्मी त्रिपाठी के बारे में बताऊंगा कि एक हिसाब से तो इन देयर ट्रेडिशन, इन द किन्नर ट्रेडिशन, उनको माना जाता है कि यू नो शी इज अ सेंट और द हेड ऑफ दैट सेक्ट, एंड येट दिस इज बीइंग सीन एज अ नैरेटिव ऑफ द वेस्ट. तो इसको इसके साथ क्या आप लोग किस तरीके से आप ये जो चीज है, हाउ डू यू पुश बैक ऑन दैट, और हाउ डू यू इंश्योर दैट
there's always a narrative beyond that narrative. It sort of establishes the fact that, hey, this is not new. This is very much part and parcel of the Indian identity. So personally, I feel like how I approach it is I go beyond talking about religion, talking about culture, and I look towards nature. A lot of the, many of the people who write for us, many of the people who share their stories on our platform, they're not just journalists, right? They're also people who are biologists, sex educators, you know, they are probably engineers, researchers, and a lot of them have shared about how, you know, queerness and queer ways of relating, queer ways of being that are, don't fit into the binary of gender, the gender construct, the heterosexual way of relating, that is very commonplace in nature, you know, in the plant and animal kingdom. And animals relate and reptile, to each other. And reptile. Absolutely, yeah, yeah. So if we have to look beyond just anthropological, the whole Anthropocene, where we, you know, position human beings, and especially this man at the center of all these narratives, we discover a whole host of queer narratives. So at the end of the day, even India and in Hinduism, all of these are constructs that we have created for ourselves. And if we just look at life as a way of being and, you know, as also being part of that life system, we see that queerness is very inherent. And yeah, these are all systems that we have created through socioeconomic and legal, you know, narratives that we have created to, so that we can kind of make a semblance of a civilization, of a society that, you know, in a certain model. Supposedly safe within confines. Yeah, yeah. Karma Tejasvi ne ye kaha nature ke baare mein unhone ye baat uthai, and she was talking about all of this. Jahan tak ki Northeast ke baare mein hum dekhte hain, to the environment is so important. You know, that is still the crucible of so much of discovery. So, jahan tak ki aapka jo newspaper hai, aapka jo publication hai, do you have a focus on the environment and issues beyond the politics of the time and identity? Karma. So we do focus a lot on environment. You know, in fact, when that big issue with one of the lone rainforests in Assam came up, and they were going to start coal mining again there, we did a documentary. We've also done some documentaries on the river dolphins of Brahmaputra and how you know, some factories may be choking their only channels. While we continue to focus, jaise ki hum agar wildlife, climate change, ye sab hamare liye bahut important issues hain. Kyunki we have vast tracts of land, you know, thousands of acres of forest hain. But problem ye hai ki dhire dhire deforestation is happening. Jaise aap Amazon, jo hamare national media hai, usme aap Amazon ki story dekhenge. कि अमेज़न में कैसे फॉरेस्ट कटिंग हो रहा है, पर हमारे यहाँ अमेज़न का जैसा यू नो फॉरेस्ट है और वहाँ इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके बारे में आप नहीं करेंगे. कोल माइनिंग का इश्यू हो गया मेघालय साइड में, उस पर फोकस बहुत कम है. जब भी कोई ट्रेजिडी होता है तभी जाते हैं नेशनल मीडिया. हम लोगों ने किया है, पर मैं सोचता हूँ कि एक समंदर में एक चम्मच पानी डालने की तरह है. इश्यूज बहुत हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं. अब हमारे फार्मर्स बोल रहे हैं कि ये जो एल्टीट्यूड पे ऑरेंजेस उगते थे, अब वो एल्टीट्यूड पे ऑरेंजेस ना उग के एक अलग लेवल में ऑरेंजेस उग रहे हैं, दैट ऑल्सो इन अ मैसिव स्केल विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड. सो स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग एंड क्लाइमेट चेंज हम लोग सब बात करते हैं, वो अभी हमको साक्षात यहाँ दिख रहा है. अशोक जी, जैसे कि हम कह रहे थे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि दलित वॉइस और दलित पॉलिटिक्स इज नॉट मार्जिनलाइज्ड एनी मोर, दिस इज मेनस्ट्रीम. इस वक्त जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये विषय आया है कि यू नो द सेंसस लेके शुड इट बी ऑन कास्ट बेसिस. तो दिस न्यू अप्रोप्रिएशन, और मैं अप्रोप्रिएशन वर्ड यूज करूंगा, where politics has appropriated the marginalized communities and made it mainstream to their political objectives. So, isme jaise aap
क्योंकि आप तो वहीं फ्रॉम द लोकेशन यू ऑल आर रिपोर्टिंग, यू ऑल आर रिपोर्टिंग द रियलिटी, तो इसमें क्या टेंशन क्या होती है इसमें? कई चीजें हमें देखनी होगी, जैसा कि कर्मा सर ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा एक लाइन में भी कहना चाहूंगा, जो नेशनल सो कॉल्ड नेशनल मीडिया के बारे में कह रहे थे, एक हम लोग कैरेक्टर देखा करते थे नारद का, है ना, तो अभी जो नेशनल मीडिया है ना वो नारद है, इस मिनिस्टर ने क्या कहा, उस मंत्री ने क्या कहा, उसकी बात उससे पूछेंगे, उसकी बात उससे पूछेंगे, और दिल्ली भी नहीं, एनसीआर भी नहीं, दिल्ली के लुटियन जोन में सारा जर्नलिज्म सिमट के रह गया है और न्यूज रूम में, ये मेरा मानना है, है ना, तो वो नारद हो गया है, तो वो कहाँ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उसको एनसीआर में आने की फिक्र नहीं है, वो मेरठ नहीं जा सकता जब तक दंगे ना हो, वो नॉर्थ ईस्ट कहाँ जाएगा बेचारा, तो वो हमें लोगों को देखना पड़ेगा। और कई मुद्दे होते हैं, जैसे कास्ट सेंसस का मुद्दा है या फिर दलित पॉलिटिक्स का मुद्दा है, तो इसको जब हम लोग कवर करते हैं और जब जाति का सवाल आता है, कास्ट का सवाल आता है, तो देखिए जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता जाति धर्म समाज, तो हमने वैसा समाज बनाया है। मेरे बड़े भाई का एक बेटा है जो 5 साल की उम्र में घर पे आता है और पूछता है अपनी दादी से कि दादी हम लोग की कास्ट क्या है, तो अब वहां उसको आप जो जवाब देते हैं ना उसकी पूरी लाइफ को सेट करता है। अगर आप उससे कहते हैं कि अरे हम तो छोटे लोग हैं, हम तो बहुत वो हैं, हमें सबसे दूर रहना चाहिए, हमें किसी को छूना नहीं चाहिए, तो फिर उसकी जिंदगी क्या होगी? तो ये हमारी मजबूरी है कि हम कास्ट को लेके अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, है ना। और मैंने एक किताब लिखी 50 बहुजन नायक, कुछ वक्त पहले तक लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा किसी को नहीं जानते थे, मान्यवर कांशीराम जब आए तब ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज और तमाम लोगों को लेके आए, और अभी तकरीबन मैं 100 लोगों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया। तो ये सोसाइटी ने उसी तरीके से हमारी मजबूरी बन जाती है ना कि हम उस पर बात करें। आज जब हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा और सारी जगहों पे बात होगी तो हम क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन मांगे कि भाई हमें क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए हर जगह पे। इत्तेफाक से आज पूना पैक्ट भी हुआ था आज ही के दिन एक वक्त में, और पूना पैक्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था, डबल इलेक्टोरल की मांग की थी कि भाई एक बंदे को हम वोट देंगे जो कॉमन होगा, सारे लोग वोट देंगे, हम भी वोट देंगे, ऐसा होगा तो हमारी कम्युनिटी का होगा, सिर्फ उसे सिर्फ हम वोट देंगे, तो वो प्रेशर में नहीं रहेगा। जो कहते हैं दलित कठपुतली है, दलित नेता रबर स्टाम्प है, तो ये रबर स्टाम्प जो हैं ये ना हो, इसके चलते डॉक्टर अम्बेडकर कोशिश कर रहे थे पुनः पैक करने की, लेकिन गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ के और वो चीजें हो नहीं पाई क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता। तो ये सवाल जब हमारे सामने आएंगे तो हम उसको कैसे हैंडल करें? तो रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए ना, ये सवाल तो, और हम तो जब दलित दस्तक हमने शुरू नहीं किया था तभी हम जर्नलिज्म करते थे, दलित जर्नलिस्ट किसने कहना शुरू कर दिया? मैंने तो नहीं कहा कि मैं दलित जर्नलिस्ट हूं, ठीक है। या फिर कोई एक राइटर जो लिखता है, ग्रेजुएशन से लिखना शुरू करता है, तो वो तो नहीं कहता कि मैं दलित राइटर हूं, लेकिन भाई चूंकि वो उस कम्युनिटी में पैदा हुआ है तो दलित जर्नलिस्ट हो गया, दलित राइटर हो गया, दलित पॉलिटिशियन हो गया। तो ये तो जो मुख्य धारा के लोग हैं सो कॉल्ड, जिन्होंने चीजों को एस्टैब्लिश किया, लोग मुझसे बार बार सवाल करते हैं कि कास्टिज्म खत्म हो गया, कास्टिज्म खत्म हो गया, मैं कहा और खत्म होना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल, कल नहीं आज खत्म करो, लेकिन खत्म करेगा, जिसने बनाया है उसके तो सबसे बड़े विक्टिम हम है ना, कास्ट के सबसे बड़े विक्टिम हम है, हमसे ज्यादा खुश कौन होगा कि कास्टिज्म खत्म हो जाए, है ना, तो जिसने बनाया है वो खत्म करेगा ना। ये तमाम सवाल जब आते हैं तो उसको आप हैंडल कैसे करेंगे वो देखना होता है। अशोक जी एक करेक्शन में कर दूंगा, ये जो कहते रहते हैं ना कि लटियंस के लोग, लटियंस के जर्नलिस्ट, वैसे लटियंस में केवल जो सरकार के लोग हैं वही बसते हैं, मंत्रियों के घर होती है, आज की बात कर रहा हूं, ऑफिसेस होती है, ये करंट सिचुएशन जो है, करंट सिचुएशन में जो जर्नलिज्म हो रहा है, पहले तो आप लोगों ने बहुत काम किया है, कर्मा सर जब यहाँ पे थे तो अलग काम करते थे, अभी नॉर्थ ईस्ट में तो अलग काम कर रहे हैं। नहीं टोटली, पर ये भी वो फिर वो बन जाता, नहीं हवा बन जाता है कि लटियंस के लोग, तो हम कहते हैं लटियंस के लोग वही है जो ये नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, वो दे आर नॉट नेसेसरली एनी मोर पीपल इन द फ्रिंजेस।
मीरा जी, आपके लिए दो सवाल, एक तो प्रियम घोष से सवाल है, पर उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि देखिए जो फार्मर की जो मूवमेंट हो रही है, तो इस वक्त सबको लगा है कि फार्मर मूवमेंट में भी इतने सारे महिलाओं जुड़ गई है, पर उन उनका जो स्टोरी है, उनका जो नैरेटिव है, वो अभी भी निकल के नहीं आ रही है। बहुत कम आपको दिखता है या सुनाई देता है कि ये जो फार्मर्स है उनमें जो लेडीज भर 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 के आ रहे हैं, उनका क्या स्टोरी है, वो वहां पे क्या कर रही है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जिक्र कीजिए। और जो सवाल प्रियम घोष ने आपको आपसे पूछा है कि मीरा जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके संगठन का, जो लोग ग्रासरूट लेवल या पत्रकारिता करना चाहते हैं, उन लोगों का को क्या सलाह देना चाहेंगे। तो ये दो सवाल है। ओके सर, ये जो महिला किसान वाला आपका जो सवाल है, उस पर मैं कहना चाहूंगी कि कहाँ है ये। हाँ, जरूर बात है, क्योंकि महिलाएं वहां पे काम कर रही हैं। ज्यादातर जो खेती का काम है वो महिलाएं ही करती हैं, घर से निकल करके पूरा पूरा दिन, चाहे वो जैसी भी जैसा भी काम आता है, चाहे वो पशुओं के लिए काम करना हो, चारा और उनके खाने पीने की व्यवस्था, या फिर जब से मतलब खेत में हल चलता है वहां से लेकर के, हाँ टेक्नोलॉजी बदल गई है, ट्रैक्टर आ गए हैं, तो ये नहीं है कि अब महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ट्रैक्टर भी इस समय चला रही हैं। तो वहां से लेकर के बीज डालने से लेकर के और उसको घर तक लाने, उसको साफ सुथरा करके और खाने तक, कहाँ तक मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि हर जगह महिला का रोल है। लेकिन ये किसान जिस तरह से ये है कि इनके नाम पे जमीन हो, ये कैसे किसान है? हाँ, काम करने के लिए किसान है, लेकिन इनके नाम जमीन नहीं है। ये जो भी सरकार चीजें देती हैं, जो योजनाओं का थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, वो भले ही महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन वो तो पुरुष के नाम पे ही आएगा, क्योंकि जमीन जो है वो पुरुष के नाम ही है। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, मतलब जिस क्षेत्र में मैं काम करती हूँ बुंदेलखंड में, या फिर आप ग्रामीण भारत की बात कर लीजिए, वो किसी भी जगह पे हो सकता है, कहीं पर भी ग्रामीण एरिया में देखा जा सकता है कि महिलाएं ही काम करती हैं, लेकिन जो किसान है वो पुरुष किसान है, जो जमीन है वो पुरुषों के पास है, वो उनके नाम पे है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता जाता है। मतलब आज पिता के नाम, फिर बेटे के नाम, फिर उसके बेटी के नाम, फिर उसके बेटी के नाम, इस तरह से बदलता है। और इसका बाकायदा कानून बना हुआ है, एक्ट है, यही सब कुछ कर रहा है। तो फिर हम महिला किसान की बात कहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर है महिला किसान? हाँ, वो काम करने के लिए है। तो सर, इस तरह से हमने बहुत रिपोर्टिंग की है, और मतलब कि महिलाओं को इस चीज का एहसास भी नहीं। हमने बात करी आपके नाम जमीन है, नहीं हमारे नाम कैसे हो सकती है, महिलाओं के नाम कभी जमीन तो होती नहीं है, खेती होती नहीं है, तो फिर कैसे महिलाओं के नाम जमीन? मतलब हो सकता है, कानून आज के दिन का कानून जो है ये तो नहीं कहते कि जमीन महिला के नाम पे नहीं हो सकती है, ये कहते कि अब जो जब बंटवारा होती है, जब कोई मर जाता है, उनके जो डिसेंडेंट्स है वो 50-50% इक्वल हिसाब, इक्वल होल्डिंग्स हो सकती है, पर हम नहीं देखते जो महिलाओं का जो आवाज है। अगर आप किसान के मूवमेंट में भी देखो तो इस वक्त जो प्रोटेस्ट है, जो लीडरशिप है, वहां पे भी तो है नहीं, पर है महिलाओं इतने सारे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट द सेकंड क्वेश्चन, जैसे प्रियम ने कहा कि आप उनको क्या सलाह देंगी कि जो ग्रास रूट लेवल में अगर किसी को काम करना है तो उनके लिए क्या सलाह है आपका? सबसे बड़ी जो मेरी सलाह है, जो मेरा इतने सालों का अनुभव रहा है, लगभग 15-16 साल का मेरा अनुभव है, मैंने निष्पक्ष होकर के काम किया है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पार्टियां हो, चाहे वो लोग हैं, तो और मतलब कि अपने को पत्रकारिता के ढांचे में
रख करके, और कभी कभी तो ऐसे भी लगा है कि हो सकता है कि हमें थोड़ा सा पत्रकारिता से पीछे भी हट करके भी काम करना पड़ा, कभी कभी ऐसी स्थितियां हो भी जाती हैं। तो मैं उनके लिए यही सलाह है, सबसे बड़ी मेरी जो सलाह है वही यही है, निष्पक्षता के साथ आप काम करेंगे। अभी तक में किसी भी तरह से बहुत सारी चुनौतियां हैं, कहते हैं ना कि जो जो रास्ता सत्यता का है, जो निष्पक्षता का है, उसमें बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन हाँ सर, जीत तो आपकी लास्ट में होनी ही है। तो Tejasvi, a question to you. Tejasvi, where do you see the future of print magazines like Bombay Dost? I see in many more magazines with the coming of the digital media. I'm asking, as recently Scripts by Labia, Lesbian and Bisexual in Action, was moved to a digital platform instead of becoming or continuing to be a print magazine. Well, it's a personal opinion, but I think the print media is very important in terms of archiving. You know, a physical copy of anything is really, like, the value of it is really so much more tangible, so much more impactful in terms of the its longevity as compared to a digital thing, because A, digital is not as accessible unless you have the paraphernalia that it requires to be, you know, viewed in or listened to in. And but a physical thing, a print thing, is so much more important. So even at Gezi, we have been thinking about releasing some of our stories, maybe on an annual or a biannual or a quarterly basis, where we have our top stories curated and released in a print form. So yeah, we are all moving away to the digital world because of how accessible it is for some of us. But at the same time, there are certain limitations as a result of which the print media continues to remains one of the most important ways of, you know, archiving and disseminating information. Karma, quick response, if we have 2 minutes left. Geography apart, isn't it the fact that the Northeast is being marginalized in many ways more because of a racism issue? Yes, it is there. It is there, you know. If you come from a position of privilege like I was, you know, because of my education, where I studied, where I worked and all, then it is a smooth sailing for you. But now, as we do stories of people who work in salons, who work in spas, who work in hotels in different parts of the country, they face this on an everyday basis. It is not just about verbal abuse, like you know, verbally abused. There have been cases where their salaries have been withheld because they know that, you know, their families are so far away, they can do nothing about it. Where they have been physically abused, sexually abused. So there are horror stories which come up, and there are very few people. Helping Hands is there, run by this fantastic IPS officer in Delhi, Robin Hibu. And there are a few other activists. Alana Golmai is there. They are doing a fantastic job. But, you know, apart from that, the Helping Hands network, there are very few people. But now, because of the chief ministers, we've got some good young chief ministers, you know, who've been able to reach the, you know, national, who are able to capture the national imagination. Because of them, then what is happening is that people are realizing. Kiran Rijiju, the former sports minister and now the law and justice minister, he's also helped in transforming this kind of thing that, okay, these Northeastern people are, you know, backward. You know, we can do what we can with them. So that is changing. Thank you so much, Karma, Ashokji, Tejasvi, Meera.